गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार, आप सभी का स्वागत है राजवंती किचन के चैनल में। फ्रेंड्स, आज ये राजवंती जी बताने जा रही हैं दही बर्रा कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, किस तरह से आप बनाएंगे तो स्वादिष्ट लगेगा, अच्छी लगेगा खाने में, आप अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं, आप अपने घर पर ही आराम तरीके से बना करके घर के ही मसालों से। तो इस देसी स्टाइल में आपके सामने बनने जा रही है दही बर्रा, तो वीडियो तो लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, ये मूंग की दाल है, इससे जा रही हूँ दही बड़ा बनाने। आप उड़द की दाल है घर में तो आप उड़द की दाल की भी बना सकते हैं दही बड़ा। मैं इससे जा रही हूँ पानी से पहले फूलने डाल देना है पानी में, उसके बाद ये पानी से छान देना है छलनी से। तो ये दाल जो फूलने के लिए दिया था ये रेडी हो गया, निकाल दिया और उसके बाद इस जार में पीसने जा रही है। पानी से छान ली थी, इसके बाद मिक्सी देख से मिक्सी में आपको डाल के और पीस लेना है। देखिए, दाल हमने ज़्यादा मोटा ज़्यादा पतला नहीं किया, हमने थोड़ा दन गए हैं। इसी तरह से हमें रखना है दाल को पीसने के बाद, दाल को पीस लेना है। देखिए, ये हरी मिर्ची है, इसमें आप डाल दीजिए, और धनिया का पत्ता है आपके घर में तो आप धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं। बोलें देखिए, अपना अंदाजा से नमक डाल सकते हैं, जितना रहेगा उसी अंदाजे से डालिएगा नमक। अच्छी तरह से दही बड़ा बनने के लिए रेडी है, स्टोव जला रही है तो जलाओ। ये कढ़ाई चल रही है, पानी सूखने के बाद इसमें तेल डाल देंगे। पानी सूख रही है धीरे धीरे, सूखने के बाद में हमने तेल डाल देंगे। देखिए, हम तेल डाल लें, तेल गरम हो गया है, और तेल गरम होने के बाद में छान के उसमें पकौड़ी इंजन बना के इसमें मैं पानी रखना है। हमें इस तरह से बनाना है, आप गोल भी बना सकते हैं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से बना देना है। देखिए, इसी तरह से बना लेना है। इस झंझरे से मतलब लड़ देना है। देखिए, ये हो गया है,
दही बड़ा मतलब छना गया अच्छे तरह से, ऐसे हम छान के और पानी में डाल देना है। गैस को ऑन कर लेंगे। ये जीरा है, ये जीरों को उला लेना है। देखिए जीरा अच्छी तरह से मतलब हो गया हमने भुनी से, इससे अब हमें ये जीरा इसमें डाल देना है। डालने के बाद मिट्टी में पीस देना है। जीरा की स्मेल जा रही है क्या? भुनने के बाद ऐसा स्मेल आया ना, पूरा महक रही है। देखिए जीरा पिसा गया है अच्छी तरह से। ये दही है, देखिए दही कितना अच्छे से जमा है, पूरा थाक जमा है दही ना। ये दही बड़ा है जो हमने बनाई थी अभी और पानी में छान के रखी थी वही है, इसे हम प्लेट में ले लेंगे। इस तरह से हमने सजा दिए है थाली में प्लेट में और उसके ऊपर हमने दही डालना है। इसके ऊपर जीरा भुरभुरा देना है। चम्मच से एक जगह नमक न गिर जाए इसलिए अपनी चुटकी से हल्की सी नमक भुरभुरा देना ताकि अच्छी स्वाद आ जाए। ये सर्व है, तैयार है, रेडी है खाने के लिए। कैसा टेस्ट बोलो सब। दही बड़ा बहुत अच्छे बनाए हैं, खाने के बाद में बहुत अच्छा लगेगा, कभी से नहीं खाए होंगे आप। अच्छा मैं टेस्ट करता हूँ, झूठ बोल रही है कि सही बोल रही है। जो दाना दाना टाइप का पीस वो था ना उसे टेस्ट करिए आप। ज़्यादा अगर आप पीसते हैं तो पूरा महीन नहीं करना है, इस तरह दाना में ही पीसना है।